बने है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है खाने विच। तो जे थानू मेरी रेसिपी चंगी लगी हो तो इनू लाइक तो शेयर करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल सबसक्राइब करना ना भूल। फ्रेंच फ्राइज बनाने वास्ते आ मैं पांच वड्डे साइज़ के आलू लिते ने। तो सब तो पहला असी इन्हों उपर तो सारा छिलका इन्हों का छिल लेना है। देखो एवें तुसी पिलर नाल इनू छिल लेना है सारा छिलका इहदा। छिलका उत्ते बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चंगी तरह तुसी इनू छिल लेना है। तो देखो सारा आलू असी छिल लिया है, तो एवें असी बाकी दे भी आलू छिल लेने। छिल के मैं इन्हों साफ पानी च पा लिया, साफ पानी च असी इन्हों चंगी तरह सारे आलूआं नू मल के धो लेना है ताकि इहदे उत्ते जिहड़ी मिट्टी डस्ट वगैरह होएगी वह सारी साफ हो जाएगी। तो एवें असी सारे आलूआं नू धो के रख लेना है। असी इन्हों प्लेट च पा लिया, तो आ देखो पानी गंदा जो है असी इनू सुट देना है। तो इस बाद असी इन्हों कटना है, इहदी शेप असी फ्रेंच फ्राइज़ वर्गी कट्टनी है। तो आ देखो आलू लेके तुसी किहड़े स्टाइल नाल कट्टने मैं तुहानू दसदी हाँ। एवें जे थोड़ा पतला आलू है तो उहदे तीन हिस्से कर लेने हैं। देखो फिर इहदे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही वधिया कटदे ने। तो देखो आ लंबे लंबे तो पतले पतले तुसी कट्टने, बहुत ज़्यादा पतले नहीं कट्टने। जिन्ने साइज़ च मैं कट रही हाँ इन्ने ही साइज़ च तुसी कट्टने, जिन्ने कि मार्केट च मिलते हैं तुसी देखे ही होणगे। तो उस साइज़ के असी सारे फ्रेंच फ्राइज़ आह कट लेने हैं। तो एवें असी एक एक पीस चक के उन्होंने कटना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल मार्केट वर्गे बनते हैं। तो देखो बिल्कुल सही है। तो एवें ही असी इन सारे पीसां नू कट लेना एक एक करके। देखो सारे असी एक आलू कट लिया, एवें आह बाकी दे भी जिहड़े आलू साढ़े इन्हां नू भी असी चंगी तरह एवें पीसिस कट लेना है। तो आ साडा एक लास्ट च आलू है, मोटा है काफ़ी है। तो इहदी देखो किवें स्लाइसिस असी कट्टणी आ, तो इस थिकनैस च तुसी कट्टणी आ, बहुत ज़्यादा पतले नहीं कट्टणे हैं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं। तो इस तरह तुसी इहदे जिन्नी भी स्लाइसिस चार पाँच निकलणगियां उन्नी तुसी कट लेनी है पहलां। देखो एवें जे तुसी एवें नहीं कट्टोगे तो जिहड़े साडे फ्रेंच फ्राइज़ है बहुत मोटे मोटे होणगे। तो एवें देखो आ देखो बिल्कुल आलू खराब निकल गया। तो एवें दा आलू असी कढ देना साइड ते, तो आ हिस्सा असी कढ दिए ते बाकी दा आलू असी एवें ही कट लेना स्लाइसिस च। तो देखो लंबे लंबे पीस असी सारे आलू दे कट लेने हैं। तो लास्ट पीस बचा तो असी इन्हें भी कट लेना। इदा ही असी सारे आलू देखो कट के तैयार कर लिते। तो इन्हों हूँ असी किसी वड्डे भांडे च ट्रांसफर करांगे क्योंकि थाली साड़ी छोटी लग रही है। तो असी इस मसाले ही पाने हैं तो होर छोटी हो जाएगी। तो इन्हों मैं एक छोटी जी परात ट्रांसफर कर लिया। तो हूँ असी इस पावे मसाले। इस मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिता है, जिहड़े तुसी ब्याहां च खाए होने वो एवें ही हुंदे आ। तो इहदे नाल इहदा बहुत ही वधिया टेस्ट आता है। तो एक चम्मच असी इस नमक का पावांगे। इन्ने आलूआं च एक चम्मच नाल बिल्कुल वधिया इहदा टेस्ट रहिंदा है, ना ज़्यादा नमक तेज़ हुंदा है ते ना ही घट। तो तुसी भी एक ही चम्मच पाउणा इस च क्योंकि जे ज़्यादा पाओगे तो लूण ज़्यादा हो जाएगा। तो एक चम्मच नाल बिल्कुल सैट रहिंदा है इस च नमक, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं ना ही घट। तो हुण इस च पाउणे असी अगली चीज़ जिहड़ी वह है कॉर्नफ्लोर। तो इस च असी जे मेरे कोल छोटे चम्मच इस च पाँच छे चम्मच असी कॉर्नफ्लोर दे पाउणे आ। तो जे थोड़े आलू घट हैं तो उस हिसाब नाल तुसी पाओगे। तो इन्ने आलू च अगर वड्डा चम्मच है तो तुसी तीन चम्मच पाउणे आ, जे छोटा है तो पाँच छे चम्मच आराम नाल पै जांदे आ। तो तुसी हिला के देख लेना जे थोड़े आलू सारे चंगी तरह इस च मिक्स हो जाने चाहिए, यानी कि लिबड़ जाने चाहिए हैं। तो उन्ना तुसी इस कॉर्नफ्लोर पाना है। तो इनू चंगी तरह मिला देना है।
सारे आलू चंगी तरह ये मिक्स कर देने तुसी। ये ही साढ़े जड़े कॉर्न फ्रेंच फ्राइज हैं वह क्रिस्पी बनते हैं। तो तेल थोड़ा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तो फ्लेम भी फुल होना चाहिए जब असी इस फ्रेंच फ्राइज पाने हैं। तो इस असी एक एक करके सारे फ्रेंच फ्राइज जिन्हें भी एक बार चा जाएंगे उन्ने फ्रेंच फ्राइज असी पा देने इस च। फ्लेम हाई रखना है, तो थोड़ी देर बाद तुसी इनू हिलाना है। आ देखो हल्के ब्राउन हो गए हैं। पहला असी इन्हां नू हाफ फ्राई करांगे। हाफ फ्राई करके असी इन्हां नू अलग भांडे च कढ लेवांगे आलूआं नू सारिआं नू। हल्के हल्के जे जद इह ब्राउन जे हो जाणगे तां असी इन्हां नू कढ लेणा है। आ देखो हल्के ब्राउन साडे फ्रेंच फ्राइज हो गए। आ देखो उपर तो किन्नी सोहनी दी परत आई है, ये कॉर्नफ्लोर नाल ही हुंदी है। आ देखो तां आ सारे असी हाफ फ्राई करके साइड च कढ लेणे हैं सारे फ्रेंच फ्राइज। तो इस तेल च जिहड़े साडे बाकी बचे फ्रेंच फ्राइज़ वह भी असी एवें ही पा देने हैं। तो सारे फ्रेंच फ्राइज असी हाफ फ्राई करके पहला कढ लेने हैं। असी सारे हाफ फ्राई कर ले हैं। तो जो असी हुण इन्हां दुबारा फ्राई करना है तो फिर दुबारा तो तेल साडा पूरा हाई फ्लेम ते असी इन्हां तेज़ गर्म होना चाहिए। तो इस तो बाद असी फिर उन्ने ही पाने इस फ्रेंच फ्राइज जिन्ने साडे कड़ाही च एक बार च आ जाण। तो हुण इन्हां नूं बहुता टाइम नहीं लगना, सिर्फ 2 मिनट भी मुश्किल नाल लगने, 1 मिनट च आह चंगी तरह फ्राई हो जाने। इसे नाल ही साडे फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंदे हैं ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं दुबारा फ्राई करन नाल ही। आ देखो इन्हूं मुश्किल नाल 1 मिनट लगना, ज़्यादा साडे बन के तैयार हो जाने हैं। तो अजकल बच्चे घर ही हैं, छुट्टियाँ चल रही बच्चों की, तो तुसी आ चीज़ बच्चे पसंद ही बहुत करते हैं। तो इन्हों बहुत छेती 10 मिनट तुसी बना के बच्चों खवा सकते हो, तो बच्चों ने बहुत पसंद आएंगे। तो आ देखो साडे फ्रेंच फ्राइज किन्ने क्रिस्पी बन के निकले हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। हाँ तो एवें ही असी सारे फ्रेंच फ्राइज दोबारा तो फ्राई कर लेने हैं। आ देखो हुण आ बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। तो एवें असी सारे फ्रेंच फ्राइज बना के तैयार कर लेने हैं। तो साडे सारे फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार हो गए, देखो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है खाण विच। तो जे थानू मेरी रेसिपी चंगी लगी हो तो इनू लाइक ते शेयर करो, चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।